हेलो दोस्तों, मैं पीएस क्लासेस से आप सभी का वेलकम करता हूं। और अब तक की बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आई है कि उत्तर प्रदेश में जो 53,000 वैकेंसी आने जा रही आंगनबाड़ी में, उसका पूरा डिटेल कार्यक्रम जारी कर दिया गया कि भर्ती कैसे होगी। तो दोस्तों बात करते हैं, आइए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। एक पहला बदलाव हुआ है। वहीं चयन के लिए पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। चयन के लिए शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी की आय सीमा 56460 रुपए और गांव में 460800 रुपए निर्धारित की गई है। बता दें दोस्तों, इसके अलावा 62 वर्ष की होने पर सेवाएं स्वतः खत्म हो जाएगी। सेवाएं स्वतः कब खत्म हो जाएगी? 62 वर्ष जब होगा तो खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में लंबे समय से 50,000 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी कैसी होगी, इसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। इस संबंध में बाल विकास सेवा व पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव राधा चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा पहले की योग्यता पूर्ववत ही रखी गई है। हाई स्कूल पास युवतियां ही आंगनबाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्तियों तैनात की जा सकेंगी। सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास रखी गई है। इन पदों पर चयन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। वहीं सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयन के लिए उम्र की सीमा 50 वर्ष रखी गई है। तो बता दें दोस्तों, 50 वर्ष निर्धारित की गई है या रखी गई है। आगे बात करते हैं, आगे इसमें हम लेते हैं, 5 वर्ष सहायिका के पद पर काम करने वाले ही कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदन कर सकती है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। एक चीज आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, जो चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। भर्ती की प्रक्रिया 45 दिन में पूरी की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप NIC तैयार करेगा और जिलों को उपलब्ध कराएगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चयन प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी की जाएगी। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका किसी लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। सेवाएं या कार्यकर्त्रियाँ, सेविकाएँ या कार्यकर्त्रियाँ समाज के लिए प्रार्थना कर सकती हैं सेविकाएँ एवं कार्यकर्त्रियाँ समायोजन के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। बता रहे दोस्तों कि जो हमारा मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा, हाई स्कूल इंटर व स्नातक के अंक जोड़कर बनेगी मेरिट। हाई स्कूल इंटरमीडिएट व स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर आएगा उसे ही अंक माना जाएगा। स्नातक के बाद के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे हाई स्कूल में 45% अंक हैं तो इसे 10 से विभाजित करने पर 4.5 होगा। इसी तरह तीनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट व स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त उसे से ही अंक माना जाएगा। तो बता दें दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर थी, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज थी। दोस्तों, पीएस क्लासेस आपके लिए जो है हिंदी की एक बहुत बेहतरीन सीरीज लॉन्च कर दिया है। वो है स्वर संधि सांग, व्यंजन संधि सांग और विसर्ग संधि सांग, जो कि दोस्तों आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है और वो बहुत ही काम करेगा। गाने की धुन पर सुनते हुए आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति कर रहा है पीएस क्लासेस। आप दोस्तों दिए गए नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके देखें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दें। एंड तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।